एक ऐसी कंपनी का आईपीओ जिसका काफ़ी ज़्यादा टाइम से इंतज़ार था। कंपनी का नाम है एक्मे। सो ये कंपनी का स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का यहाँ पर आईपीओ आ गया है। सो हम बेसिक डिटेल्स की पहले बात कर लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड, उसके बाद में कंपनी में हम इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 289 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है। टोटल 2900 करोड़ रुपये कंपनी उठाना चाह रही है, जिसमें से 2400 करोड़ रुपये कंपनी के पास जा रहे हैं, बाकी 505 करोड़ रुपये जो हैं वो कंपनी का जो मेन प्रमोटर है वो यहाँ पर अपने कुछ शेयर्स बेच रहा है। अब कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग मतलब मालिकाना हक जो प्रमोटर के पास में था आईपीओ से पहले, आईपीओ के बाद में लगभग 83% के आसपास में रह जाने वाला है, जो कि अच्छा खासा रह जाने वाला है आफ्टर दी आईपीओ एज वेल। अब कंपनी के पास में जो आज के दिन ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 1.3 गीगावाट्स की है। उसी के साथ में कंपनी के पास में और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्रोजेक्ट्स अवार्ड हो चुके हैं, तो वो 2.3 गीगावाट्स के और हो चुके हैं, तो वो भी कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन करे तो फ्यूचर के अंदर में ऑपरेशनल हो जाएंगे बहुत जल्द। अब यहाँ पे बात करते हैं तो कंपनी क्या काम क्या करती है, तो यहाँ पर कंपनी जो प्रोजेक्ट्स जो बिडिंग करती है, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर में वो बिड एक बार जीत जाती है, तो उसके बाद में कंपनी जो सोलर पावर प्लांट हो गए, चाहे विंड वाले हो गए, चाहे FDRE हो गया, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो प्रोजेक्ट्स बनाती है, खड़े करती है, फिर बाद में वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर करती है और बाद में उसको बेचती है, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी बेची है उसका पैसा एज ए रेवेन्यू कंपनी कमाती है, राइट। तो पूरा बिडिंग से लेकर के बाद में कंप्लीट प्रोजेक्ट्स का मेंटेनेंस देखना, बनाना, वो जो पूरा सोलर पावर प्लांट हो, विंड एनर्जी पावर प्लांट हो, वो सब कुछ कंपनी खुद ही करती है इन हाउस, और इलेक्ट्रिसिटी बेच के पैसा कमाती है बाद में। तो ये बेसिक कंपनी का मेन धंधा है। अब इसकी अगर बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे अपनी पूरी जो वैल्यू लगा रही है वो है 17,486 करोड़। अब मेन जो ऑब्जेक्ट है हमारा इस एनालिसिस का कि ये जो वैल्यू कंपनी ने खुद की लगाई है ये सस्ती है या महंगी है, और फ्यूचर में किस तरीके से जा सकती है, और कॉम्पिटिशन के साथ में थोड़ा कंपेयर करके भी यहाँ पे इसको देखने वाले हैं। अब कंपनी का जो मेन मुद्दा यहाँ पर है कि पैसे क्यों उठाने हैं स्टॉक मार्केट से, तो यहाँ पर पहला तो चीज़ है कि कंपनी जो कंपनी देख रही है यहाँ पर, मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो कंपनी को लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चल रहा है इन टाइप की कंपनियों का, तो क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया जाए, उठा लिया जाए, इस वैल्यूएशन के ऊपर उठा लिया जाए। तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि कुछ पैसे उठा करके हमारे पास जो लोन है, हमारी जो सब्सिडरीज हैं उनके ऊपर में जो लोन है उस लोन को हमें चुकाना है पैसों से। तो लगभग कितने का लोन चुकाने वाले, पूरे पैसों का, जो कि लगभग 2400 करोड़ रुपये कंपनी उठा रही है, उसमें से मैक्सिमम जो पैसा है वो लोन चुकाने में जाने वाला है। बाकी आईपीओ से पैसा उठा रही है तो उसमें भी खर्चा होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट में भी खर्चा होने वाला है, तो वो भी खर्चा कंपनी इसी आईपीओ के पैसों से देखने वाली है। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में इनडेप्थ जाने से पहले एक बार कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक बार हम लोग अगर समझ लें तो ज़्यादा अपने को सही रहेगा। अब ये देखो, ये है कंपनी का स्ट्रक्चर। ममता उपाध्याय, मनोज कुमार उपाध्याय, AUM उपाध्याय और मेघा उपाध्याय, इनका एक फैमिली ट्रस्ट बनाया हुआ है। उस फैमिली ट्रस्ट ने एक कंपनी खोली MKU होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पूरा मालिकाना हक ये फैमिली ट्रस्ट के पास में है, और फैमिली ट्रस्ट का मेन जो बेनिफिशियरीज हैं ये लोग हैं। अब क्या हुआ, MKU होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक कंपनी और खोली जिसका नाम था एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये भी एक काइंड ऑफ होल्डिंग कंपनी ही है। अगेन इस कंपनी जो MKU एक्मे एक क्लीनटेक वाली है, इसका जो मेन मालिक है वो है MKU। इसके जो एक्मे क्लीनटेक है इसके 3-4 और मालिक हैं, छोटे छोटे मालिक, मनोज कुमार और उपाध्याय अल्टीमेटली यही इनके मालिक थे, बट ये अलग से इस कंपनी के और मालिक बन गए, राइट। अल्टीमेटली यही थे, ऊपर जाके अगर देखोगे तो आप लोग। साथ में फिर थर्ड लेवल के ऊपर में, सॉरी फोर्थ लेवल में जो एक कंपनी खुलती है वो है एक्मे सोलर होल्डिंग। तो इस कंपनी का आईपीओ है एक्मे सोलर होल्डिंग का, इन कंपनियों का आईपीओ नहीं आया है किसी का भी। मेरे हिसाब से तो आना तो इस कंपनी का चाहिए था, MKU होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसका आना चाहिए था, इसका आया है क्योंकि एक बीच में दो लेयर्स और हो गई यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 100% जो मालिकाना है कब वो अभी एक्मे क्लीनटेक के पास में है इस कंपनी का, बट अल्टीमेटली इस कंपनी को ओन कौन करता है, मैनेज कौन करता है, वो है मनोज कुमार उपाध्याय, ममता उपाध्याय, ये लोग जो हैं यही इस चीज़ को, इस कंपनी को मेंटेन करते हैं। अब बाद में इस कंपनी के नीचे जो ये जिसका आईपीओ है एक्मे सोलर होल्डिंग्स, इस कंपनी के नीचे 40 सब्सिडरीज हैं और 15 स्टेप डाउन सब्सिडरीज हैं, मतलब सब्सिडरीज की भी सब्सिडरीज हैं। तो वो जो इनकम ये कंपनी कमाती है ये उन सब्सिडरीज काम करती हैं, सब्सिडरीज के थ्रू जो इनकम होती है वो इस कंपनी की इनकम होती है, क्योंकि ये कंपनी खुद काम कुछ नहीं करती है, इसका काम है वो कंपनियों को मैनेज करना, समझ, राइट। तो ऐसा समझ लो पिताजी घर पे बैठे हैं, बाकी बच्चे काम कर रहे हैं, तो अब अल्टीमेटली इनकम पिताजी कमा रहे हैं, राइट।
अब इस कंपनी का आईपीओ, हम जो मालिक इस कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले, हम इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम 40 सब्सिडरीज के भी शेयर्स खरीद रहे हैं और 15 जो स्टेप डाउन सब्सिडरीज हैं उनके भी अल्टीमेटली हम मालिक बन रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ही बन रहे हैं इनडायरेक्टली क्या। नेक्स्ट अब कंपनी थोड़ा सा और इनडेप जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन प्रमोटर है वो अच्छा खासा अपना ठीक ठाक स्टेक यहाँ पर बेच रहा है और फ्यूचर के अंदर और भी उसको शेयर्स बेचने की पड़ेंगे। यहाँ पर जो इस आईपीओ के अंदर में देखा गया है कि 10% कोटा है वही केवल रिटेलर्स के लिए रखा गया, बिकॉज कंपनी क्या अगर पिछले 3 साल में एक बार भी नेट प्रॉफिट नेगेटिव रहता है तो कंपनी 10% ज़्यादा स्टेक जो है कोटा रिटेलर्स को नहीं दे सकती है। तो यहाँ पे अगर हम 2023 में देखते हैं तो नेट प्रॉफिट जो थे माइनस में थे, तो 10% रिटेलर कोटा ही रखा गया। अगर ये माइनस में नहीं होता तो 30% रिटेल 35% रिटेलर्स के लिए कोटा रहता, तो रिटेलर्स के लिए वैसे ही तो कम शेयर मिलते हैं, ऊपर से इस बार और कम मिलेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार और कि वन सेकेंड कंपनी के ऊपर में कुछ खास यहाँ पे लिटिगेशन जो हैं वो टैक्स से रिलेटेड ठीक ठाक हैं यहाँ पर, वो भी कंपनी के खिलाफ नहीं है, कंपनी के जो प्रमोटर है एक में क्लीन टेक वाला उसके ऊपर में ठीक ठाक यहाँ पर केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें उसमें 235 करोड़ रुपए का प्रमोटर को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर में जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है वो 611 करोड़ रुपए की है, बिकॉज कंपनी ने कॉर्पोरेट गारंटीज जो हैं बैंक गारंटीज हैं वो दे रखी हैं। जो एक में क्लिनटेक है वही कंपनी का जो मेन है सप्लायर है, इस कंपनी को जितना भी माल सप्लाई होता है, मतलब इन सब्सिडरीज को जितना भी माल सप्लाई होता है वो मेन जो सप्लायर है वो है एक में क्लिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी जो कंपनी है इसका भी मालिक है। नेक्स्ट कंपनी की किस तरीके से शुरुआत हुई थी, तो उसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 2015 के अंदर में हमारी वाली जो कंपनी है इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी की तो 2015 में शुरुआत हुई थी, बट एक्मे जो क्लीनटेक वाली जो कंपनी है उसकी शुरुआत हो गई थी 2003 के अंदर में ही, जिसका नाम था एक्मे टेली पावर प्राइवेट लिमिटेड। इसका नाम चेंज कर दिया गया था एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशन 2015 के अंदर में। और इसी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी वाली जो कंपनी है ये भी 2015 में ही बनाई गई थी, राइट। एक तो जो पेरेंट कंपनी है हमारी उसका नाम चेंज किया गया, जबकि वो 2003 में बनी थी मेन कंपनी, उसके बाद में इस कंपनी को 2015 में बनाया गया, उसके बाद में इस कंपनी के थ्रू ऑपरेशंस चालू कर दिया। मतलब बात ये कि कंपनी पहले से चलती आ रही थी, उन्होंने क्या किया एक कंपनी और खड़ी कर दी और जो ऑपरेशन है वो काम जो है इस कंपनी के अंडर में करना चालू कर दिया। तो ये काइंड ऑफ है कि जो बिजनेस है वो पहले से इस्टेब्लिश्ड है, बस ये है कि कंपनी खोल के जो ऑपरेशन है वो इसके नाम पर चलाने चालू कर दिए। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, देखने को देखा जाए 2003 की बनी हुई है, तो ठीक ठाक यहाँ पर कंपनी के पास में एक्सपीरियंस है, मैनेजर्स के पास में एक्सपीरियंस बना हुआ है। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं कंपनी के बारे में, अगर मेन जो लोग कौन है वो ममता उपाध्याय। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि कंपनी के जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर को हम समझ चुके हैं, ये हमने फिर भी आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लिए थे। मनोज कुमार उपाध्याय और ममता उपाध्याय जी दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है। नेक्स्ट कंपनी के पास में आज के दिन जिस कंपनी का हम आईपीओ खरीद रहे हैं इसके पास में कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं है, जो मेन जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो एक्मे क्लीनटेक के पास में है। उसने फिर अब ये जो सब्सिडरीज हैं उनको किराए के ऊपर में ऑफिसेज वगैरह जो है लैंड वगैरह है वो किराए पर दे रखे हैं या फिर ग्रुप कंपनी से किराए पर दिलवा रखे हैं। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जितनी भी ये प्रॉपर्टी है ये ज़मीनें हैं ये किराए के ऊपर में है और इन लोगों ने दी हैं, दूसरी कंपनियों ने दी हैं जो कि ग्रुप कंपनीज ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के अंदर में आज के दिन 246 एम्प्लॉयज ही काम करते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है बट 246 एम्प्लॉयज ही काम करते हैं जो कि कंपनी के मैनेजमेंट में मेनली काम करते हैं। उसके अलावा सब्सिडरीज के अंडर में और भी जैसे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट कोई मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में फिर वो प्रोजेक्ट जो होता है वो किसी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी को दिया जाता है, फिर वो डेवलप करते हैं। तो उस तरीके से इनकी कंपनी के अंदर में जो मेनली एम्प्लॉयज काम है वो 246 हैं, बाकी जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो अलग कंपनियाँ हैं जो पूरा कंस्ट्रक्शन को देखती हैं, सोलर पैनल्स उठा के लाती हैं, सीमेंट डालती हैं, यू नो पूरा पावर प्लांट जनरेट करती हैं, वो अलग कंपनियां हैं, ये बस उसको निगरानी रखती हैं, प्रोजेक्ट लेती हैं, बीडिंग करती हैं, प्रोजेक्ट मिल जाता है उसके बाद में फिर कंस्ट्रक्ट करवाती हैं और फिर वो सोलर जो वहाँ से भी एनर्जी जनरेट होती है उसको बेचने का काम करती हैं, ये मालिक मेनली यही है। अब कंपनी के पास में जो एक में ब्रांड है वो इनके पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब उसके राइट्स हैं, ट्रेडमार्क इनको मिला हुआ है। साथ में कंपनी के जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं आज के दिन वो हैं अडानी ग्रीन एनर्जी और रिन्यू पावर। रिन्यू पावर एक बाहर की कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी हम लोग जानते हैं इंडिया की ही कंपनी है, अडानी तो सब कोई कौन नहीं जानता। NTPC ग्रीन एनर्जी इसका भी रिसेंटली IPO आने ही वाला है, तो इसके बारे में भी हम लोग वो जो रिसर्च है वो करने ही वाले हैं, करेंगे ही डेफिनेटली आते ही। साथ में एक कंपनी का टाटा पावर रिन्यूएबल इसका कॉम्पिटिटर है, ग्रीन को इसका कॉम्पिटिटर है, बाकी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर जिनका लोग कंपेयर करके अभी देखने वाले हैं किस तरीके से वैल्यू मार्केट ने उनको दे रखी है।
नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो ऑफ टेकर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ऑफ टेकर्स, ऑफ टेकर्स क्या होते हैं? कंपनी जैसे पावर सप्लाई करती है, तो जो पावर सप्लाई करती है वो उसको खरीदता कौन है? तो जो खरीदने वाले जो कस्टमर्स हैं पावर को, वो ऑफ टेकर्स होते हैं। तो कंपनी के जो मेन कस्टमर्स हैं वो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैक्सिमम जो सरकार है इनसे पावर खरीद लेती है, बिकॉज इंडिया के अंदर में मोस्ट ऑफ द जो सोलर खरीदने, मतलब जो पावर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो खरीदती हैं कंपनियाँ, वो सरकारी कंपनियाँ ही हैं। बाकी जो प्राइवेट कंपनियां वो तो खुद मैन्युफैक्चर कर ही रही हैं इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं प्राइवेट कंपनियां भी, वो भी सरकार को ही बेचती हैं किसी तरीके से। तो इसके भी जो मेन ऑफ टेकर्स हैं वो सरकारी इंडस्ट्री कंपनियां ही हैं। जो सबसे बड़ा कस्टमर है वो है SECI। नेक्स्ट अब एक बार देख लेते हैं कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, अब एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंपनी को जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, ताकि हमें कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है उसकी हमें जानकारी मिल जाए। नेक्स्ट, ओके, सो हियर इज दिस थिंग। ओके, वन थिंग, वन सेकेंड। ओके, यहां पर कंपनी में आज के दिन 13,985 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, 13,985 करोड़। उसमें से जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, जिसको हम इक्विटी शेयर होल्डिंग बोलते हैं, वो 1,942 करोड़ रुपए है। वो ही केवल इक्विटी जो इन्वेस्टर्स का पैसा है, बाकी लगभग 12,000 करोड़ रुपए हैं वो उधारी के पैसे हैं जो कंपनी में लगे हुए हैं। इसीलिए तो कंपनी बोल रही है कि हमें अपना लोन जो है उसको कम करना है IPO के पैसों से, ताकि हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बचे और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ें। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी ने पैसा कहाँ कहाँ लगा रखा है। तो वो तो हम लोग सभी जानते हैं कहाँ कहाँ लगा रखा हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ होगा, तो वहीं लगा हुआ है, क्योंकि कंपनी लैंड एक्वायर करेगी, फिर वहाँ पे प्लांट जो है सोलर पावर प्लांट हो गया, चाहे विंड पावर प्लांट हो गया, उसको खड़ा करवाएगी वहाँ पे, फिर उसके बाद एनर्जी बचेगी। तो मेनली पैसा तो वहीं लग रहा है, वहीं लगा हुआ है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये हो गया कि काम जो चल रहा है, जो ओल्ड जनरेशन के अंदर में जो पावर प्लांट्स वगैरह हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम चल रहा है वहाँ पर, जो भी ऑपरेशनल नहीं हुए हैं उनमें 4,000 करोड़ रुपए लगे। तो मेनली बस ये पूरा हो गया, पैसा यहीं पे खर्च हो गया, लोग दो जगह मेनली पैसा है, बाकी जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, राइट। इसी तरीके से कंपनी के करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैश पड़ा हुआ है 1,000 करोड़ रुपए के आसपास में, और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है 753 करोड़ रुपए, अदर बैंक बैलेंसेस, राइट। तो कोई यहाँ पर ऐसा कोई पैसा कहीं लगा हुआ नहीं है जो कि ना समझने लायक हो। नेक्स्ट अब ये देख लेते हैं कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं, जो मेन जो चीज़ है समझने लायक, यहाँ पर अगर देखते हैं तो 2022 के अंदर में कंपनी ने 1,562 करोड़ रुपए की एनर्जी बेची थी, रेवेन्यू जनरेट किया था। बाद में यहाँ पर 1,361 करोड़ रुपए की कंपनी ने एनर्जी बेची और रेवेन्यू जनरेट किया था। फिर यहाँ पर अगेन इंक्रीज देखने को मिला है 1,466 रुपये में। तो यहाँ पर अगर देखने को मिलती है कि पहले से मुकाबले कंपनी का जो एनर्जी है वो कम भी है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज चेक करते हैं तो आपको एक एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिलेगा, दैट इज यहाँ पर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्शनल आइटम्स, ये रहा एक्सेप्शनल आइटम्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम्स से यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। एक्सेप्शनल आइटम्स कौन से हैं? तो कंपनी ने एक बार जैसे पूरा पावर प्लांट जनरेट कर दिया, तो वो जो पावर प्लांट है वो दूसरी कंपनी को बेच देती है। तो बेच देती है तो जब तक वो उसके पास में था तब तक तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, बस उसने बेच दिया उसके बाद में तो उनका तो रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे खासे पावर जनरेट ऑफ जो सोलर प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं मतलब सोलर वाले हों, चाहे रिन्यूएबल चाहे FDRE वाले हों, हाइब्रिड वाले हों, वो उन्होंने बेच दिए, तो अगले यहाँ पर रेवेन्यू कम हो गया। अगेन कंपनी ने इस साल जो है कम यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स है पिछले साल के मुकाबले 39 करोड़ के ही बेचे, तो यहाँ पर अगेन जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया। इस साल अगेन कंपनी ने 748 करोड़ के फिर से बेच दिए हैं, तो कंपनी का अगेन एक नेट प्रॉफिट जनरेट हो गया, बट कंपनी का ये वाला जो रेवेन्यू है अगेन कम हो जाएगा। बट यहाँ पर कंपनी ऑपरेशनल जो और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम कर रही है, तो कंपनी ने जितना बेचा है उसके मुकाबले नए ऑपरेशंस जो ऑपरेशनल हो रहे हैं प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग वाले EPC वाले, वो ज़्यादा कमाई करके दे रहे हैं। तो कंपनी बोल रही है कि हम मेनली उन प्लांट्स को दे रहे हैं जहां पर हमें मतलब उनसे बेटर हम लोग उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कंपनी का कोई दिक्कत वहाँ पर रेवेन्यू में नजर आ नहीं रही है। नेट प्रॉफिट्स की यहाँ पर बात करते हैं, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मेन जो कंसिडरेशन लायक है वो है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, क्योंकि यही वो पैसा है जो कंपनी मेनली जनरेट कर रही है। ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कंपनी ने 160 करोड़ रुपये जनरेट किए हैं विदाउट एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स कौन से? कंपनी ने अपने प्लांट्स वगैरह बेचे, तो ये इस साल कमाई हो गई, राइट। ये थोड़ा पता कि अगले साल फिर से कंपनी ये अपने जो प्लांट्स हैं उनको बेचती रहेगी। कुछ कंपनियां बेचती रहेगी, कुछ नहीं बेचेगी, कुछ रखेगी। तो मेन जो इनकम का सोर्स है वो तो ये वाला है। तो
इसके भरोसे हम इतना नहीं रह सकते हैं, बट इसके भरोसे हमको फिर भी थोड़ा बहुत रह सकते हैं। तो इस साल ये क्या कि हर साल नहीं होगा, कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा, होगा उस वक्त अच्छी बात है। सो हम लोग जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, पी और पीबी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, वो इसके बेसिस पे करने वाले हैं, ना कि एक्सेप्शनल आइटम को इंक्लूड करके करने वाले। मैक्सिमम जो जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो पूरे के पूरे वैल्यू को ही इंक्लूड करके नेट प्रॉफिट्स और पी पी वी रेशियो निकाल रहे हैं, और उसके बाद में बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बट मेन हमारे लिए ये चीज़ है, राइट। इसी के साथ में हम लोग एक्सेप्शनल आइटम्स को भी ऐड करेंगे अपने हिसाब से। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 2024 के अंदर में कोई एक्सेप्शनल आइटम अभी भी नहीं है, तो फिर भी कंपनी ने 50 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट निकाला 3 महीने में। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर लगभग कंपनी 200 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी अपने नॉर्मल बिजनेस से, राइट। उसके अंदर में हम लोग मान के चलते हैं कि बेसिकली कंपनी ऑन एन एवरेज 300 करोड़ का यहाँ बेचा, 700-800 करोड़ का यहाँ बेचा, राइट। तो यहाँ पे भी मान के चलते हैं 100 करोड़ रुपए का और कोई एक्सेप्शनल आइटम्स के थ्रू नेट प्रॉफिट जनरेट करे, तो लगभग 300 करोड़ रुपए 2025 का जो रिजल्ट आने वाला है, मार्च 2025 का पूरे साल का, उसमें 300 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। तो उसी के हिसाब से हम पी और पीबी रेशियो को निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये नेट प्रॉफिट वाला जो स्ट्रक्चर है ये ठीक ठाक यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि इंक्रीजिंग लेवल में कंपनी के, जैसे जैसे अभी क्योंकि कंपनी का 1.3 गीगावाट्स का ही जो ऑपरेशनल है ये फ्यूचर के अंदर में, और इंक्रीज हो जाएगा 2-4 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर में, तो कंपनी का जो पूरी कैपेसिटी है वो 4 गीगावाट्स के आसपास में पहुंच जाएगी, 3-4 गीगावाट्स के, अगर कंपनी नहीं बेचती है अपने प्लांट्स को तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी मल्टीफोल्ड हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। इसी के साथ में कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है वो कितनी ज़्यादा वैल्यू लगाई, कम वैल्यू लगाई है, वो कॉम्पिटिटर्स के साथ में एक बार हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि 300 करोड़ के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे, वो भी फॉरवर्ड पी के साथ, फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से। तो यहाँ पर जो कंपटीशन में हमारे पास में कौन सा, अडानी ग्रीन एनर्जी और दूसरा है रीन्यू एनर्जी जो कि इंटरनेशनल कंपनी है। तो इसका जो पी रेशियो निकल के आ रहा है 228 का निकल के आ रहा है, और इसका जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 197 का निकल के आ रहा है। और अपनी कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है आईपीओ वाली ने, इसने 1700 करोड़ रुपये की वैल्यू लगाई है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 1700 करोड़ और 300 करोड़। तो यहाँ पे 56 का पी रेशियो निकल के आ रहा है जो कि फॉरवर्ड पी है। अब आप बोलते हो कि इस साल कंपनी ने 679 करोड़ के आसपास में कमाई की है, तो 650 अगर हम अप्रोक्स लेते हैं तो 26 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एनालिसिस के साथ में थोड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर हम इस पी को लेकर कंसिडर करके चल सकते हैं तो चलें तो। बट ये जो 300 वाली है ये मेरे को सही एनालिसिस का लगता है। तो अब फिर भी अगर हम 56 के पी रेशियो के साथ में कैलकुलेट करके देखते हैं तो इसके मुकाबले 4 गुना कम है, और इसके मुकाबले तो लगभग 5 गुना कम है। तो फिर भी अपने पास में एक अच्छा खासा ऊपर स्टॉक के जाने के लिए स्कोप देखने को मिल रहा है। सो कंपनी यहाँ से अच्छी खासी ऊपर जा सकती है, और फॉरवर्ड अब ये जो कंपनियाँ हैं इनके रहने की उम्मीदें हैं ही। आज के दिन मार्केट का जो किंग है वो तो अडानी है, अडानी के बाद में रीन्यू एनर्जी जो बाहर की कंपनी है, उसके बाद में टाटा पावर है, फिर उसके बाद में अगले 2-3 साल के अंदर में हो सकता है कि ये जो कंपनी है ये भी उस लिस्ट में कहीं ना कहीं आ जाए, टॉप 5 के अंदर में आ जाए, राइट। दैट विल बी नाइस बाय द वे। तो उसके उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी की वैल्यू जो है यहाँ से 4-5 गुना ऊपर जा सकती है, बिकॉज कंपनी इज डूइंग गुड, कंपनी इज अच्छा खासा एक्सपर्टीज है इनके पास में, और अच्छे खासे इनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, और इनके पास में जो पावर की कंजम्पशन वो बढ़ती जा रही है। और FDRE, अब FDRE क्या होता है, ये एक फर्म एंड डिस्पोजेबल रिन्यूएबल एनर्जी का एक तरीका होता है, जो कि एक प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है, सोलर पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट, ये जो पावर प्लांट्स होते हैं इनमें जब पीक एनर्जी बन रही होती है, जैसे सोलर पावर प्लांट में दोपहर के टाइम पे बहुत पीक एनर्जी बनती है, बट उस वक्त इतनी कंजम्पशन नहीं होती, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बन रही है उसको ये स्टोरेज करके रख लेते हैं ये वाले जो पावर प्लांट्स होते हैं। तो जब रात को एनर्जी चाहिए होती है तब ये डिस्पैच कर देते हैं, राइट। तो ये एक काफ़ी बड़ा एक सोर्स है, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो एनर्जी आज के दिन भी जो पोर्टफोलियो है इनके पास में, इसका भी बहुत बड़ा एक स्टोरेज है, और इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा ये लोग कंपनी जो है काम कर रही है, ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बन रही है उस वक्त उसको स्टोरेज कर लिया जाए, जितनी यूज़ हो रही है उसके हिसाब से फिर सप्लाई देते रह जाएँ, पूरे सुबह शाम देते रहें। तो इस पर एक कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रही है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ए इंडस्ट्री चेंजर थिंग। सो ओवरऑल देखा जाए तो आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन इन दिस कंपनी, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी मैं इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। सो आई थिंक आईपीओ में अप्लाई, आईपीओ में तो डेफिनेटली अप्लाई करना बनता है, और उसके बाद में किस तरीके से ऊपर जा सकता है, तो अगले 5 साल में कंपनी को मैं, हो सकता है कि मेरी एनालिसिस खराब बैठ जाए, बट इंडस्ट्री को देखते हुए इसका 5 गुना ऊपर हो जाना हो सकता है, इस कंपनी यहाँ से 5 टाइम्स ऊपर तक जा सकती है।
दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और रिसर्च करें, उसके बाद में डिसीजन लें। सी यू टुमारो विद न्यू एनालिसिस।